साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम जो है NIOS की क्लास 12 321 होम साइंस के जो क्वेश्चन पेपर है, सवाल नामा, उसको सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर जो है ये सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उर्दू में है, ये मैंने सारा उर्दू में आपके लिए कर रखा। 3 घंटे का टाइम होगा, 80 नंबर का दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, एक नौजवान के लिए 2 अखलाकी रवैये क्या है, मतलब उसके अंदर कौन सी 2 व्यवहारिक नीति होनी चाहिए। तो इसका जवाब है, जो जवाब है वो मैंने निकाल के रख लिया था। तो अखलाकियात में उसके अंदर क्या होनी चाहिए, खुलूस और ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, अपने और दूसरों के एहतराम का जज्बा होना चाहिए, वक्त का एहतराम होना चाहिए, काम का एहतराम होना चाहिए, ठीक है, वफादारी होनी चाहिए, राजदारी होनी चाहिए, बाकायदगी और वक्त की पाबंदी होनी चाहिए, साथी और गांव के साथ कुछ गवार ताल्लुक होने चाहिए, सीखने और नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए आमदगी होनी चाहिए, ये सब बातें उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें से जो है 2 बातें लिखनी है आपको, तो कोई 2 बातें आप लिख दीजिएगा। अगला सवाल है, बच्चे किस उम्र में वक्त और रफ्तार का तसव्वुर सीखते हैं, ठीक है। तो वक्त और रफ्तार का तसव्वुर वो इस उम्र में सीखते हैं, इसका जवाब भी मैंने जो है निकाल के रखा है आपके लिए। वो जो है यहाँ पे बोलना चलना सीख जाते हैं 8 साल पे, हमने देखा है कि बचपन के दरमियानी मुद्दत में बोलना सीख जाते हैं, आपने देखा होगा, हैरत होगी कि बच्चे कितना कुछ जानते हैं। उनके बयान, बचपन के दरमियानी मुद्दत 6 से 11 साल तक ज़बान पर एक बच्चे की बुनियादी गिरफ्त हो जाती है, तकरीबन 16,000 से 30,000 तक के अल्फाज का ज़खीरा हो जाता है। इस उम्र में ज़बान बेहतर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो क्या क्या समझ जाता है, आप इसमें से देख सकते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, अपने दादा को फिट रहने के लिए 2 तरीकों की तजवीज़ करें, मतलब वो किस तरह जो है फिट रह सकते हैं, ये 2 तरीके आप उनको बताएं। तो इसका जवाब भी जो है मैंने निकाल दिया है कि भाई आप जो है किस तरह अपने दादा को फिट रख सकते हैं। इसका जवाब है, कुछ अच्छी आदतें उनको जो है फिट रख सकती हैं, जैसे जो है आराम और नींद, आराम और नींद उनको वक्त पे मिले, कितना सोना है ना वो मिले, और रोज़ाना सुबह के वक्त अजाबत ज़रूर होनी चाहिए, सोने का वक्त मुकर्रर हो, वक्त बिस्तर पे चले जाए, ठीक है। नशीली और ख्वाब आरूदा से परहेज़ करें, खाने के वक्त अलहदा पसंद अलावा पसंदीदा चीज़ों के लिए भी नहीं कहना सीखें, बीड़ी सिगरेट इन सबसे, मतलब ये तो कई सारे हैं, आप जो इनमें से कोई कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं तो 2 लिख दीजिए। सवाल नंबर 3 हो गया, इसके बाद जो है सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। सवाल नंबर 4 जो है ये है कि राजू अक्सर खाने से इनकार कर देता है, उसकी माँ उसे कैसे खाना खिलाएगी। बिल्कुल सही बात है, उसकी पसंद की चीज़ें बना दें तो खा लेगा, फिर भी मैं आपको इसका जवाब दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका जवाब जो है मैं आपको दिखा दूँ, तो ये आप लिखेंगे, ज़्यादातर ग्लूकोज और ज़्यादा प्रोटीन वाले होता है जिसमें विटामिन मात्र, स्कूल में ज़्यादातर मसरूफियात रहते हैं। तो आप जो है बच्चे को क्या करें, कौन सी बुक है, बुक नंबर 1 का पेज नंबर 98, नाश्ते में क्या करें आप, टिफ़िन बॉक्स में रख दें, टिफ़िन में ज़ायक़ेदार और मकवी ग़िज़ा होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे जो है अपने दोस्तों के साथ खाने की प्लानिंग करते हैं तो उनको पैसे दे देने चाहिए यहाँ पर, ताकि उनके साथ जो है खा लें, भूखे ना रहें। अगला सवाल है, छिकना करने वाले जाजी और छिकना करने वाले सोडियम की 2 मिसालें दीजिए। तो इसका जवाब भी जो है यहीं पे निकला हुआ है, ठीक है। तो आप जो है बहुत सारी चीज़ें चिकनाई जाजिब करने के लिए लॉन्ड्रिंग वगैरह में डाल दें, ठीक है, या जो है आप उसकी जो है दाग हटा दें, या जो है वॉशिंग पाउडर का यूज़ कर लें, डिटर्जेंट का यूज़ कर लें, ठीक है, साबुन का यूज़ कर लें, सोडियम का यूज़ कर लें, उससे क्या होगा
कि उस पर जो चिकनाई या चर्बी है वो सब चीज़ें उससे हट जाएंगी। क्लियर है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 6। आप अपने लिबास से ताज़ा चाय, ताज़ा पान और चाय, ये पान है, और चाय के दाग के कैसे दूर करेंगे। तो इसका जवाब भी मैंने जो है निकाल रखा है कि किस तरह आप जो है इसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले चाय के बारे में कि अगर चाय चाय या कॉफ़ी सफ़ेद सूती ताज़ा दाग पर उबलता हुआ पानी डालो, ताजे दाग पे उबलता हुआ पानी डालो, और अगर रंगीन सूती है सिर्फ यहाँ पे इन्होंने पूछा है तो उस पर गुनगुना पानी और स्वाहा में भिगो, यहाँ पे 2 कप पानी और 1.5 चम्मच स्वाहागा। ठीक है, तो ये ताज़ा दाग के लिए है, उम्मीद है कि वाला। अब इसमें जो है पान के बारे में भी है, तो पान का भी है यहाँ पे। पान के लिए ये रहा कि प्याज का पेस्ट लगाओ और उसको धूप में छोड़ दो, पान का दाग भी चला जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 7 के बर्की आलात यानी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस, आप क्या 4 खसूसियात को चेक करेंगे। यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस ख़रीद रहे हो तो आप वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखेंगे और ख़रीदेंगे। ठीक है, तो उसकी जो है कई सारी चीज़ें, सबसे पहले आपको जो है ये देखना है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं, और आपका वक्त पैसा और तवानाई बचाने वाला है, यानी वक्त भी बचाए, कम टाइम में हो जाए, पैसा भी बचाए, कब तक ज़्यादा महंगा ना हो, और तवानाई यानी आपकी ताकत भी बचाए, हिफाजत उसकी करना ज़रूरी है। ठीक है, उस पर ISI का निशान वाला ही खरीदे। ठीक है, उससे जो है वो कंपनी का एक ब्रांडेड होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, कीमत तय कर लें, जगह जगह पूछ लें। ठीक है, और ये सारी बातें अगर, और उसमें गारंटी वगैरह देख लें, तो ये सारी चीज़ें आपको ख़रीदते वक्त ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आजकल धोने और पहनने वाले कपड़े क्यों मकबूल हैं, वॉश एंड वियर। ठीक है, तो इसका जवाब भी यहाँ पे जो है आपको मैंने निकाल दिया है कि आजकल जो है इस तरह के कपड़े जो है क्यों मशहूर हैं, वॉश एंड वियर कहते हैं इसे, धोने और पहनने। तो इसका जवाब यहाँ पे आप जानते हैं कि सूती कपड़े में इस्तेमाल के दौरान बुरी तरह शिकन पड़ जाती है, वॉश एंड वियर की फेंच इस्तेमाल करके सूती कपड़ों को देखभाल आसानी बनाई जाती है, उनमें बार बार इस्त्री करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी और सोडियम भी सिलवटें भी नहीं बढ़ेंगी, ये फिनिश बहुत टिकाऊ होती है, फिनिश बहुत टिकाऊ होती है। ये रेसिंस जैसे केमिकल्स के इस्तेमाल से पैदा की जाती है। अब इसके बाद जो है अगला सवाल है कि हमारे खानों में विटामिन सी से भरपूर गज़ाइत को शामिल करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब भी जो है हमने निकाल लिया कि भाई विटामिन सी से भरपूर गज़ाइत क्यों ज़रूरी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई गज़ाइत में इजाफा हो, खुले या खोया निकालना, खमीरा करना, भिगोना, तैयार करना, खाने पकाने गज़ाइत की बर्बादी से बचाने के लिए। ठीक है, और इसके आगे भी जवाब आते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई किस में कितनी गज़ाइत है, इसी वजह से हमें जो है गज़ाइत की ज़रूरत है। अगला सवाल है कि सवाल नंबर 10 के नौजवानों में अपने दोस्तों की इतनी अहमियत क्यों देते हैं, नौजवान जो है अपने दोस्तों को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, क्यों वो दोस्तों के साथ, यानी हम उम्र का रूल। ठीक है, बलूगत के दौरान अक्सर बेशतर 14 से 16 साल की उम्र के दरमियान बच्चे वालदेन से अपने हम उम्रों के ग्रुप की तरफ धीरे धीरे मतलब तेज़ी से बदलते ख़ानदानी ढांचे की वजह से ये और तेज़ी से हो गया। देखिए, इसकी मेन वजह जो है वो ये है, क्यों होते हैं, हर कोई एक ही किस्म के मतदाद सूरत हाल और मसाइल से गुजर रहा होता है। आम ख्याल ये है कि हम उम्र अपने साथियों को अपने वालदेन से ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि बलोगत के दौरान एक बच्चा सीखता है कि मुख्तलिफ जिन्स के अफराद कैसे मेलजोल किया जाए, हम उम्र ग्रुप में मेलजोल के मौाक़े फराहम करते हैं।
और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उनसे शेयर नहीं की जा सकती, वो भी बच्चा अपने दोस्तों से शेयर कर देता है, इस वजह से वो उनसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है सवाल नंबर 11 है, सवाल नंबर 11 देख लेते हैं कि घरेलू साइंस खुशगवार ज़िंदगी से लुत्फानंदोज होने में किस तरह मदद करती है, यानी जो घरेलू साइंस है वो किस तरह हमारी जो है लुत्फानंदोज होने में मदद करती है, यानी होम साइंस। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो यहाँ पे मैंने निकाल लिया आपके लिए, तो आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको इसका जवाब। ताकि जो है होम साइंस आपकी ऐसी लाइफलिंग नॉलेज फराहम करती है, ऐसा सलीका पैदा करती है जिससे घर गृहस्थी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके। इल्म के बुनियाद पर हासिल शुदा मालूमात को अपनी रोज़मर्रा में बरतना हुनरमंदी कहलाता है। मिसाल के तौर पर सामाजिक दबाव की वजह से खाने पीने की गैर सेहत तरीके रोकते हैं, जबकि जो है हुनरमंदी सलीके से अपने पैदा करने के लिए सीखना हमारी ज़िंदगी खुशियाँ और आसूदगी होती है। ये भी बात लिख सकते हैं और ये वाली बात भी लिख सकते हैं। साइंस की अहमियत, साफ सुथरे रहते हैं और हमारा खुशगवार माहौल रहता है, कम्युनिटी और कौम के हालात खुशगवार बनाने में मदद मिलती है। अगला सवाल जो है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के दरमियान एक मुमासलत और एक फ़र्क बयान कीजिए। ठीक है, मुमासलत और फ़र्क बयान करना, हर एक के दो माखज यानी ज़राए का भी जिक्र करेंगे, कहाँ से मिलता है। तो इसका जवाब भी हमने निकाल लिया है बुक नंबर जो है एक के अंदर जो है, ये पेज नंबर 62 पे है, ये नंबर 62 पे है। सबसे पहले है किसके बारे में बताना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे दस्तियाब कार्बोहाइड्रेट जो है हमें पहले बताना है कि किससे हासिल होता है, अनाज से, सब्जियों से। ठीक है, आलू और फलियों कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है जी, ये तो इसके बारे में वो हो गई दो चीज़ें बतानी थी ना, ये दो माखज़ बताएं किन से हासिल होता है एक में कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन के बारे में भी बता देता हूँ आपको, फिर दोनों में एक एक फ़र्क बताऊँगा। और ये प्रोटीन जो है हमें किससे मिल सकता है, प्रोटीन मिलता है हमें गोश्त, मछली, अंडा, मुर्गी वगैरह, दूध, पनीर, चीज़, दही वगैरह। ठीक है, सोयाबीन, मटर, दालें, ये सब इन चीज़ों में। अब इसके बाद जो है इसमें हम एक एक फ़र्क निकालते हैं, इसकी खसूसियात निकालते हैं कि भाई इसमें जो है क्या फ़ायदे हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, तो हमने लिख लिया कि भाई कहाँ से मिलता है। इसकी जो खसूसियात हैं, मतलब गैर दस्तियाब कार्बोहाइड्रेट या डाइट फाइबर, ये सेल्स के बाहमी शक्ल मिलता है, हज़म नहीं हो सकते, जिससे जिसम से जो फजला बाहर निकलता है उसमें ज़्यादातर गैर दस्तियाब कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी हजामत होने में आसानी होती है। ये सारी बातें आप इसमें लिख देंगे। कार्बोहाइड्रेट से तवानाई मिलती है, कार्बोहाइड्रेट तवानाई हासिल करने का वसीला है, गैर दस्तियाब कार्बोहाइड्रेट फजला के हजम को बढ़ा देता है और हजामत में आसानी होती है। ठीक है, अब प्रोटीन जो है क्या करता है, जिसम की बढ़ोतरी और नशोनुमा में करता है, उससे ताकत मिलती है, इससे नशोनुमा होती है, खून को जमने में मदद करता है, और खून को जमने में प्रोटीन क्या करता है, मदद करता है, ज़रूरत के वक्त तवानाई देता है और उससे हर वक्त तवानाई मिलती है। ठीक है जी, तो इसका आप जवाब लिख सकते हैं। इसके बाद जो है अगला सवाल है, सवाल नंबर 13 के, ग़िज़ा की मनसूबाबंदी करते हुए आप किन 8 चीज़ों को जहन में रखेंगे। तो जब आप ग़िज़ा की मनसूबाबंदी कर रहा हूँ तो किन 8 चीज़ों को आपको जहन में रखना है, वो यहाँ पे आपको बतानी है। ग़िज़ा की मनसूबाबंदी करते हुए आप चीज़ों को, मतलब जब ग़िज़ा, सबसे पहले आपको ये देखना है न्यूट्रिएंट पाँच ज़रूरियात को पूरा करते हैं, हर ग़िज़ाई ग्रुप में चीज़ें शामिल होती हैं, तो क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहले मुनासिब ग़िज़ा होनी चाहिए, यानी उसमें सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए। उम्र का लिहाज रखें कि छोटी उम्र के बच्चों के लिए नरम चीज़ें, बड़ी उम्र जवानों के लिए अच्छी मकदार, और बूढ़ों के लिए जींस को देख के करें कि भाई औरतों के लिए क्या सही रहेगा और मर्दों के लिए। जिस्मानी मेहनत के हिसाब से खाएँ, कम मेहनत करता है तो कम खाएगा, मज़दूर है तो ज़्यादा खाएगा,
माशी हालात देख के करें कि भाई हमारी माशी कंडीशन कैसी है, पैसे वगैरह हैं या नहीं, मौसम को देख के करें, वक्त मेहनत और सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करें, ये सारी बातें आप जो इसमें देखें, मौसमी ख़राबी को देखते हुए खाएँ, ठीक है, इलाकाई कल्चर के असरात भी पड़ते हैं, ठीक है भाई, ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 14, के कपड़े धोने के 4 तरीके बयान करें, किस तरह आप जो है कपड़े धो सकते हैं। तो इसका जवाब भी मैंने निकाल लिया आपका, ठीक है, तो इसका जवाब है धुलाई के जो है तरीके, कपड़े के जो है तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, एक है रगड़ कर धुलाई करना, एक है जसाबी या कशिशी, या इसके बाद है तीसरा मलना और बचकना या मशीन के ज़रिए धोना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनके आ रहे में 4 नंबर में बताना है, तो रगड़ के धोने का एक पॉइंट लिखना, हाथ के ज़रिए रगड़ना, प्लास्टिक के ब्रश के ज़रिए रगड़ना, जसामती एक जैसे कपड़ों की धुलाई में होता है, वजनी औरतें दरते बने होते हैं, उनको ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि साबुन घोल कर एक टब में रख दें, गूंदना और भजने के ज़रिए, गूंदना कूटना उसे, मशीन के ज़रिए भी होता है तो मशीन में डाल देते हैं और धुल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कि ज़मीन की जरखैसी को मुतासर करने वाले 4 अवामिल की वजाहत करें, किस वजह से जो है ज़मीन की जो जरखैसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो सवाल नंबर 15 है, इसका जवाब भी मैंने निकाल लिया कि भाई जो है ज़मीन को ख़राब करने में, कि जो है उसकी जरखैसी को मुतासर करने में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन का कटाव, ठीक है, खुश्क साली, कुदरती असबाब हैं, आंधी, आतिश फिशा, जलजले, बढ़ते नुकसान, दे गुबार, हरारत, धुआं और गैर मुजिर गैसें, ये सब जो हैं ज़मीन, ये सब किसको मुतासिर करती हैं, ज़मीन की जरखेज़ी को, ठीक है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 पे आ जाते हैं, क्या है सवाल नंबर 16 है कि रोज़ाना ख़ानदानी अखराजात का रिकॉर्ड करने के लिए एक 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 मुनासिब फॉर्मेट पेश करें, उसे बनाने के 4 फ़ायदे भी बताने। तो इसको भी हमने जो है बना लिया है, इसके 4 फ़ायदे जो है क्या हैं और इस तरह ये जो है होते हैं। तो इसका जवाब यह आमदनी अखराजात और उनके रिकॉर्ड, कि भाई क्या चीज़ कितने का आ रही है, चावल 15 किलो, ठीक है, 10 रुपए किलो के हिसाब से हैं तो 150, ये सब हमने टेबल बना लिए, ठीक है। इसके आमदनी रिपोर्ट रखने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये तो इस तरह से बना देना, थोड़ा सा जूम करके आउट करके दिखा देता हूँ, आमदनी अखराजात पेपर में आएगा तो इस तरह एक बना देना, क्या क्या आप खरीदते हैं, कितने रुपये किलो के हिसाब से खरीदते हैं और कितना खरीदते हैं उसका टोटल और पूरा खर्च इन सबको प्लस करके यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, कितनी आपकी आमदनी और कितना खर्च है और कितना उसमें से सेव हो जाता है। अब इसके बाद जो है इसके फ़ायदे क्या हैं वो यहाँ लिखें, फ़ायदे के लिए जूम कर लेते हैं, ये समझ जाते हैं कि आपके अखराजात कैसे हो रहा है, किन चीज़ों पर हो रहा है, गैर ज़रूरी अखराजात पर पाबंदी लग जाती है, बैलेंस पर नज़र डालने से अंदाज़ा हो जाता है, मुख्तलिफ महीनों के खर्चों का मुकाबला कर सकते हैं, आइंदा आने की प्लानिंग कर सकते हैं, मार्केट का रुख पता चलता रहता है कि मार्केट में क्या चीज़ क्या रेट चल रहा है। इसके बाद है कि 9 उम्रों को जिनसी तालीम देना क्यों ज़रूरी है, यानी जो जवान बच्चे हैं उनको जो है ये वाली तालीम देना, यानी लिस्ट द 4 कॉजेज ऑफ चाइल्ड, वाई इज़ द इम्पॉर्टेंट टू इम्पार्ट सेक्स एजुकेशन इन द एडोलेसेंस, यानी जो जवान बच्चे हैं उन्हें किशोरों को यौन शिक्षा देना आवश्यक क्यों होती है, ठीक है। तो इसका जवाब भी है यहाँ पे मैंने निकाल लिया था आपके, जो इसका जवाब जो है जिनसी तालीम की ज़रूरत क्यों होती है, देखिए 4 नंबर में तो इसमें अच्छा खासा लिख देंगे आप, इस वजह से कि बालिग शख्स जिनसी तौर पर पुख्ता होता है, उसे शादी और खानगी ज़िंदगी लिए तैयार होना चाहिए, इसीलिए बालिग के लिए ज़रूरी है कि उसे जिनसी इर्तिका और ज़रूरियात के बारे में बताया जाए ताकि उसकी तब्दीलियाँ मांग हो, किसी बालिग शख्स का जवान जिनसी रवैया उसे रुझानात के ज़रिए तय किए और जिन्स के बारे में हासिल तालीमात वालदेन स्कूल का माहौल से अहम रोल अदा कर सकें, तालीम बराए पैदावारी सेहत भी कहलाती, इस दौरान
बालिग बच्चों के जिनसे मशगूलियात पर फितरी बात है, सानवी जिन्स की खसूसियात जहूर जिन्स और हारमोनों की सरगर्मी के जहन में सवालत पैदा करते हैं। इनसार हम ग्रुप और मतलूबा मवाद से हासिल शुदा होती है। ये सारी बातें आप इसमें लिख देंगे, वैसे क्या क्या तालीम देनी चाहिए इसमें से छाट के आप लिख दीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 के चाइल्ड लेबर की कोई चार वजूहात बताते हुए बच्चों पर इसके चार मनफी असरात के बारे में बताएंगे। भाई चाइल्ड लेबर की जो है वो क्यों करता है और इसके जो है मनफी असरात क्या हैं, सवाल नंबर 18 है और इसका जवाब जो है मैंने निकाल लिया। बच्चा मजदूरी, ठीक है जी, बच्चा मजदूरी जो है क्यों करते हैं बच्चे और इसके असबाब क्या हैं, तो इसका जवाब यहाँ पे हमने निकाला है, ठीक है, कि भाई ये जो है क्यों की जाती है बच्चा मजदूरी। अपने पड़ोस पर नज़र डालें, उन कामों को तलाश करें इनमें बच्चे लगे, उनके अखराजात बचते हुए, ढाबों का काम करते हुए, कार की सफाई करते हुए, जूते पॉलिश करते हुए, ठीक है, सारे जो है करते हैं। इसके एक मतलब क्या किन क्या वजूहात हैं, असबाब, असबाब इसके ये हैं कि गुरबत, गरीब होते हैं, नाख्वानदा और वालदेन की जहालत, पढ़े लिखे नहीं होते, यतीम होते हैं, तेज़ काम करने वाली उंगलियाँ और बीनाई, ठीक है, ऐसे मज़दूरों की बढ़ती मांग जो सुस्त और ख़ामोश हो जाए, और नतीजे क्या होते हैं इसके मनफी असरात जो है क्या है, मनफी असरात इसके ये लिखे हुए हैं कि बच्चों में लंबे वक्फे तक 12 से 16 घंटे तक गैर इत्मीनान बख्श माहौल और जिस्मानी वजह बॉडी पोजीशन में काम, इसके सब मुस्तकिल माजूरों का शिकार होते हैं, वो गैर सेहतमंद माहौल में काम करते हैं, बीमारियों में मुबतला, वो स्कूल नहीं जा पाते, मुल्क की शरह नाख्वानगी में इजाफा होता है और जो है समाज में उनका कोई मकाम नहीं होता। चार पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला सवाल है कि पैदाइश से 8 माह तक बच्चे के मौसर डेवलपमेंट की सुराग लगाएं, ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, तो भाई इसमें कैसा मौसर डेवलपमेंट कैसे होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें से लिख देंगे, जैसे दांत, आमतौर पर सेहतमंद बच्चा 5-6 महीने के दरमियान पहले सामने नीचे के दांत निकलते हैं जिन्हें वस्ती तकीले दांत कहते हैं, उसके बाद 7 महीने में ऊपर के नौकीले दांत, 8 महीने में ऊपरी किनारे के दांत निकलते हैं, इस तरह ही लिख देंगे, हड्डियाँ और पट्टे मजबूत होते हैं, ये सारी बातें आप लिख देंगे, इस तरह होता है, ठीक है, सारी बात आप इसके अंदर लिख देंगे, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। अगला सवाल हम चलते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ, घर में मशीनी कपड़े धोने के इकदाम का खाका बनाएं, घर में जो है मशीनी कपड़े कैसे धो सकते हैं, तो इसका जवाब भी हमने निकाल लिया, ठीक है, बहुत तरीके हैं इसके, डिटर्जेंट से धो लें आप, ठीक है, उससे भी साफ होते हैं, साबुन से, सैंडिएट से, और कलफ और नील लगा लें उस पर और सुखा दें उसे, इस्त्री कर दें, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप धो सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 और एक मिसाली टाइम टेबल की खसूसियात बताएं, एक मिसाली टाइम टेबल की क्या खसूसियात हैं वो आपको बतानी है। तो इसको हमने बना दिया आपके लिए, टाइम टेबल के मुख्तलिफ मरहले, ठीक है जी, सबसे पहले आप टाइम टेबल तैयार करें कि आपको क्या किस टाइम करना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक काम करने वाली औरत को सुबह नाश्ता तैयार करना होता है, लंच तैयार करना होता है, बच्चों के लिए स्कूल तैयार करना होता है, इन सभी कामों की निशानदेही एक मुकर्रर वक्त में मुकम्मल ज़रूरी होती है। ऊपर की मिसाल से बच्चों को तैयार करने के बस पे ले जाना और खुद दफ्तर पहुँचने का काम वगैरह, हर काम करने में वक्त के एक अंदाज़ा कायम किया था 45 मिनट तैयार करने के लिए, भी सारे कामों को तरतीब दें, ठीक है, और भी होता है घर के दूसरे शेड्यूल पर ध्यान देना होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कामों को तरतीब दें, ये सारी बातें आप इसमें से भी लिख सकते हैं, और एक ये टाइम टेबल मैं आपको यहाँ बना बनाया दिखा रहा हूँ नमूने के तौर पे कि भाई जागना कब है,
फरागत कब होना है, टूथपेस्ट, चाय पीना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, दफ्तर जाना, नाश्ता करना, घर बंद करके दफ्तर जाना, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 22 के एक बावर्ची की तरफ से अख्तियार किए जाने वाले कौन से 6 गलत तरीके सब्जियों की गजाई अज्जा को नुकसान का बाइस बन सकते हैं, यानी वो कौन से ज़राए हैं जो उसे नुकसान का बाइस बना दें। न्यूट्रेंट की बर्बादी, ठीक, यानी गजाइत की बर्बादी, सब छीलने और काटने से पहले अच्छी तरह धो लें, वो क्या करेगा बाद में धोएगा, पहले काट लेगा फिर बाद, उसमें पानी घुलने वाले विटामिन मादनियात ज़ाय नहीं, वो बाद में धोएगा और मादनियात ज़ाय हो जाएंगे। कुकिंग शुरू करने से पहले सब्ज़ियों को छील काट कर ना रखें, ठीक है, वो क्या करेगा बहुत पहले छील के रख लेगा। सब्जियों के बड़े टुकड़े काटें, वो छोटे टुकड़े काटेगा। सब्ज़ियाँ कम पानी में भिगोएं या फाजिल पानी का इस्तेमाल, और कम पानी में भिगोने के बजाय वो ज़्यादा पानी में भिगोएगा और पानी को फेंक देगा, तो इससे उसकी गजाइत ख़त्म हो जाएगी। और भी बहुत सारी बातें इसमें से आप देख के देख सकते हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 23, ठीक है, सवाल नंबर 23 के अंदर आप जो है कह रहे हैं सुपर टाइल यानी चीनी मिट्टी और मार्बल की देखभाल के दरमियान फर्क बताएं। भाई जो सुपर टाइल मार्बल जो होता है वो ठंडा होता है और ये जो है गर्म हो जाता है। इसकी देखिए मैं इसके जर्नली औरली जवाब बता देता हूँ बान से कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो जवाब नंबर 23 आप खुद भी दे सकते हैं कि जो मार्बल होता है वो ठंडा होता है, मार्बल ज़मीन पे बिछता है जबकि मिट्टी के वो जो टाइल बने होते हैं उन्हें हम दीवारों को इस्तेमाल करते हैं। इन पर डिज़ाइन मशीनों से तैयार होता है और ये कुदरती तौर पर ज़मीन से निकलता है और इसके साइज़ बड़े होते हैं। ये ताजमहल में लगाए तो मार्बल है, आपके घर में लगाए तो टाइल है, दीवारों पे भी लग जाते हैं और जमीन, ये ज़्यादा चिकना नहीं होता, वो जो संगमरमर जो होता है वो ज़्यादा चिकना नहीं होता, और मार्बल ये वाला जो पत्थर होता है ये ज़्यादा चिकना होता है, ये टूट भी जाता है वो मजबूती से अपनी जगह लगा रहता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे आप बता दो। अब इसमें सवाल नंबर 24 है कि फर्श की सजावट के लिए आप कौन से 8 उसूल अपनाएंगे फर्श को सजाना यानी रंगोली, तो इसमें जो है क्या लिख सकते हैं आप, सही डिज़ाइन का इंतखाब करेंगे। ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप फैला के लिख दीजिएगा कि हम जो है सबसे पहले बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं सही जगह का इंतखाब कर लेंगे, यानी हम ये देखेंगे जगह किस जगह बनानी है, लोग आते जाते तो नहीं, रास्ता तो है वहाँ से साइड से निकलने का घर में, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल गेट पर बना दें जहाँ चप्पल रखी जाती। डिज़ाइन बनाने के लिए चौक का इंतखाब करें और सही चौक का इंतखाब करें, पक्के रंग करें, अलग अलग रंगों का इंतखाब करें, पेपर कौन से रंग भरे, पेपर कौन आता है उससे रंग भरे, चाय की छन्नी का इस्तेमाल करें, चूड़ियों के इस्तेमाल से बनाए, रंग बिरंगे शीशे या पत्थर का इस्तेमाल करें, तो ये आप इसमें जवाब में लिख देंगे। इसके बाद जो है 25वां सवाल है, किसी भी सतह चमकाने या पॉलिश करने से पहले किन 4 बुनियादी को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि उस पर जो है वो चमक भी सकती है या नहीं चमक सकती, खुरदरी तो नहीं है, अगर चमक सकती है तो आप उसे चमका देंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो उस पर ये देखेंगे उस पर पानी की ज़रूरत है या उस पर किसी केमिकल के ज़रिए चमकाया जा सकता है। तीसरी बात उस पर ये देखेंगे कि जिसे हम चमका रहे हैं कि वो उसको चमकने के बाद उस पर कोई पिछलेगा तो नहीं, और चौथी बात आप उसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसकी चमक कितने वक्त तक रहेगी। छठा सवाल है कि कंट्रोल टैक्स नक्शों और सार्वजनिक शेड नक्शों में कोई 2 जिम्मेदारियाँ, इनमें 2-2 जिम्मेदारियाँ लिखनी है, मैंने यहाँ बहुत सारी लिख दी हैं, तो आप ये लिखेंगे भाई उसको मेहमानों दरख्वास्तों को संभालने में अच्छी मालूमात हो, हाउस कीपिंग के बारे में अच्छी मालूमात हो, मेहमाना चाबियाँ और गेस्ट रूम गार्ड के लिए जिम्मेदारियाँ हों, ठीक है, डेस्क पर आने वाली तमाम कॉलों और सही शख्स तक सही मालूमात पहुँचाने की जिम्मेदारी हो, हाउस कीपिंग की रोज़मर्रा कामों से मुतालिक रिकॉर्ड हो, मेहमानों की दरख्वास्त शिकायतों की सूरत फॉलो अप करता हो, टेलीफोन के ज़रिए अच्छा अदब आने चाहिए, VIP सहूलियात की फहरिस्त तैयार है, तो ये सारी बातें होंगी। अब जो यहाँ पे पेपर ख़त्म हो गया, अब इसमें आगे तो हैं वो उनके लिए हैं जो डिसेबल हैं, कमज़ोर हैं, तो उम्मीद है कि जो उर्दू में पेपर सॉल्व मैंने आपके करके ज़्यादा समझ में आई होगी। अगर आपको जो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी भी कोई डाउट है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं असाइनमेंट प्रैक्टिकल कुछ भी बनवाने के लिए।
और क्या गाइड वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी, NIOS के एडमिशन के लिए भी, ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमारे पते पर भी आ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।